देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अशोक के बाबूजी तैयार हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं क्या आप? मुसीबत का इलाज करने जा रहे हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? क्या हुआ है आपको? क्या इलाज कराने जा रहे हैं बताइए ना। यशोदा की सुन सुन के अक्कल तो खो ही बैठी हो, मेरी भी होगी हो क्या है? हमने कहा हम इलाज करने जा रहे हैं, करवाने नहीं। ठीक है, आपको सीधा सीधा नहीं बताना, कुछ भी तो मत बताइए। नाश्ते में क्या लेंगे ये बता दीजिए। थोड़ा जहर दे दो हमें। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, अरे सवेरे सवेरे क्यों जली कटी सुना रहे हैं? वही तो, इस घर में लोगों को लगता है कल रात में कुछ हुआ ही नहीं। जान बची है, जान समझती हो? कल रात को घर वालों के गले कट जाते, जेवर सहित कलाइयां काट के ले जाते उस मुजरिम की गैंग वाले। कृष्णा, आप भी क्या मुजरिम बोले जा रहे हैं उसको? एक बात बताइए, क्या आपका बेटा अशोक किसी मुजरिम का केस लड़ेगा या आपकी बहू यशोदा किसी मुजरिम को घर में लाकर रखेगी? बोलिए। हमारा बेटा वकील है, अगर मुजरिमों से बैर करेगा तो कमाएगा क्या? लेकिन उसे तो अपनी वकालत हम ही पे झाड़नी होती है। बस सुनो मालती, ना हम अपने बेटे से डरते हैं, ना हम अपनी बहू से डरते हैं, और ना ही हम अपना घर लूटने देंगे, समझी? हाँ, पर करने क्या जा रहे हैं आप, वो तो बताइए। कृष्णा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहे हैं। खुश? क्या हो गया है आपको? घर में पुलिस बुलाएंगे आप? क्यों, जब वकील बेटा पैदा कर सकते हैं तो घर में पुलिस को क्यों नहीं बुला सकते? जली कटी क्यों सुनाते हैं? अरे पर सुन, सीने पे हजारों सुइयां चुभती हैं जब कृष्णा को इस हाल में देखता हूं। अब उसकी हालत देखी नहीं जाती यार, बहुत प्यारा बच्चा है यार, बहुत प्यारा बच्चा है। उसका बचपन कहीं खो जाए उससे पहले उसकी बेगुनाही साबित करनी है। ठीक कह रहे हैं, पर कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा, उस रिक्शे वाले का भी कुछ पता नहीं लग रहा। कब तक नहीं लगेगा? हेलो, आपके बाबूजी कृष्णा के नाम पे कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं। क्या बात कराइए मेरी बाबूजी से। हाँ लीजिए, अशोक से बात कीजिए। हाँ बोलो। क्या कर रहे हैं बाबूजी आप? हम वही कर रहे हैं जो एक घर परिवार चलाने वाले जिम्मेदार इंसान को करना चाहिए। हमें हमारे परिवार की चिंता है, अब घर पे हमला हुआ है तो रिपोर्ट तो करवानी होगी ना। बाबूजी मैं खुद कंप्लेंट करवाने वाला था, आप एक बार बात तो कर लेते मुझसे। अरे तुमसे क्या बात करते, बात उससे की जाती है जो सुनता हो समझता हो। लेकिन सावन के अंधे को तो सब हरा ही हरा दिखता है, लेकिन हमारी आंख कान और समझ सब हमारे काबू में, समझे? भाजी लेकिन कृष्णा के खिलाफ रिपोर्ट तो? और किसके खिलाफ रिपोर्ट करवाते? हमने जो देखा है वही रिपोर्ट करवाने आए हैं, समझे? ये लो, बात करो इंस्पेक्टर साहब से। हेलो इंस्पेक्टर साहब, देखिए बाबूजी को कुछ गलतफहमी हुई, आप रिपोर्ट मत लिखिएगा। देखिए आपके पिताजी खुद कृष्णा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। वो कह रहे हैं कि कृष्णा ने कोई साजिश की है जो बहुत खतरनाक है और उससे सबकी जान को खतरा है। तो भाई हम रिपोर्ट लिखने से मना कैसे कर सकते हैं? आप खुद वकील हैं, आपको कानून क्या समझाएं? रिपोर्ट तो हमें दर्ज करनी पड़ेगी। जी मैं समझता हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बात यह है, असल में कृष्णा खतरा नहीं है बल्कि कृष्णा की जान को खतरा है। अच्छा, किसी पर शक है आपको? जी दो लोग हैं, एक तो बबलू और दूसरी ही ललिता, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, हम इसकी भी तहकीकात करवा लेते हैं। फिलहाल मैं आपके पिताजी की रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूं। हेलो जी, बताइए। क्या कहें बंसल साहब, काम नहीं हुआ, प्लान फेल हो गया। काम नहीं हो पाया?
इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। लेकिन आप चिंता मत करिए, प्लान हम लोग फिर बनाएंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन सुन लीजिए, आपकी फीस हो जाएगी डबल, क्योंकि भैया मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, हमको पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। बढ़ जाएंगे बंसल साहब, पैसे भी बढ़ जाएंगे, आपको हमारी जरूरत पता ही है। आप हमारा काम कीजिए, हम आपका कर देंगे। लेकिन इस बार ऐसा प्लान होना चाहिए कि बस बात बन जाए। इस बार ऐसा हवन कुंड रचेंगे कि पूरा परिवार चल के स्वाहा हो जाएगा। और सुनिए, धुआं भी नहीं उठेगा। हे प्रभु, रक्षा करना प्रभु, हमारे परिवार को चोर उचक्कों से बचाना, हमारे लिए बस इतना करना। जब तक जिए प्रभु, किसी का दिल ना दुखाएं, बस परोपकार करें। ए लड़के, तूने अब तक कपड़े नहीं धोए, सूखेंगे कब? वो मालकिन सबके कपड़े आने का इंतजार कर रहा था, अब सबने ना लिया, अब धो दूंगा। वो अरविंद साहब, कहानी बंद कर, अपनी काम पे लग, चल। अम्मा चाय। हाँ रख दे। हे प्रभु। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, क्या हुआ? नहीं, वो बाबूजी पुलिस स्टेशन गए हैं। क्यों? वो कृष्णा के खिलाफ कंप्लेंट करने। कृष्णा के खिलाफ कंप्लेंट? उसने किया क्या है? मैं बाद में बात करती हूँ अशोक जी। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत, मुझ पे भरोसा है ना कृष्णा? हाँ तो निश्चिंत हो जाओ तुम। अम्मा, ये क्या किया बाबूजी ने? आप जानती थी, आप समझा सकती थी ना बाबूजी को? क्या समझाते, अरे घर में चोर आया था तो पुलिस कंप्लेंट तो करानी थी ना, और पुलिस को समझाने के लिए ठोस तर्क भी चाहिए था। अम्मा, चोर बाहर से आया था, कंप्लेंट कृष्णा की गई है, ये गलत है। कुछ भी गलत नहीं है। और तुम कैसे कह सकती हो कि कल जो चोर आया था वो इसका जानकार नहीं था? क्योंकि मैं जानती हूँ कृष्णा को। तुम तो गलत सही की बात मत ही करो यशोदा, बिल्कुल भी नहीं। एक तो इस मुसीबत को तुमने यहाँ परिवार में सबके लिए लाकर खड़ा कर दिया, और कल तो इसने हद ही कर दी। इसने, बच्चा है अम्मा, थोड़ी तो दया दिखाइए। कृष्णा चोर नहीं है। चोर नहीं है तो डर क्यों रही हो? आने दो पुलिस को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई सबको पता लग जाएगा ना कि तुम्हारा कृष्णा सही है और हमारा पति गलत। वो तो साबित हो ही जाएगा अम्मा। लेकिन इस सब में कृष्णा पे क्या बीतेगी, जरा ये तो सोचिए ना। बाबूजी समझदार है। समझदार है इसीलिए ये कदम उठाया। अपने घर की हिफाजत करना ना गलत नहीं। जी नहीं, ही कीजिए खुशी के मारे। अरे सुनिए तो, बहुत बढ़िया आइडिया आया है दिमाग में, हवन करवा लेते हैं। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ बंसल जी। अरे तो हम कौन सा आपको चुटकुला सुना रहे हैं, आइडिया आया है वही बता रहे हैं। और अपना तो देखिए ऐसा है कि अगर जबान से कुछ निकल गया ना तो समझिए कुंजी है, अगर किसी ने पढ़ लिया
तो फर्स्ट क्लास पास। बात समझ रहे हैं आप हमारी? अब आपसे बात करते करते हमारी जबान पर आया हवन, खुशी से लहला उठा हमारा बदन। बंसल जी मैं फोन रख रही, ठीक है? और मैं हवन रख रहा हूँ, सबको बुलाऊंगा। और आप समझ रही ना? ओ, यानी कल रात जो काम नहीं हुआ वो हवन की आड़ में हो जाएगा। जी ट्यूबलाइट जी। बंसल जी आप जीनियस हैं। काश यही बात हम आपके लिए भी कह पाते हैं। भैया पान लगाओ। अम्मा तुमने हमें बुलाया काहे नहीं? हम तुमसे बहुत गुस्सा है, बहुत शिकायत है। अरे वो तो भला हो कि हम कपड़ा लेके चले आए धुलवाने, तब जाके हमें खबर लगी है? अम्मा ये जो घर का माहौल चल रहा है ना आजकल, हम तो भैया बड़ा हाई अलर्ट रहते हैं। अरे बिटिया उस वक्त कहाँ इतना होश रहता है कि किसी को बुलाएं? और वैसे तुम्हें बुला भी लेते तो तुम क्या कर लेती है? कैसी बात कर रही हो अम्मा? अम्मा देखो हमें तुम हल्के में ना लेना, हम बता रहे हैं। हमको तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो बदमाश घर के अंदर घुसा कैसे। बाथरूम की खिड़की खुली रह गई थी। जीजी खुली छोड़ी गई होगी तो खुली रह गई होगी है? हाँ गलती से रह गई थी। आदत नहीं है हमारी इसे बनाने की, लेकिन अब गलतियां ना इस घर में होती रहेंगी। अम्मा हम बता रहे हैं ये अभी पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। हाँ ये लड़का ना घर बर्बाद करके छोड़ेगा, तुम देख लो। जीजी उसके सामने तो ये बातें मत कीजिए, पहले से बहुत डरा हुआ है वो, प्लीज। अरे तो क्या हम कम डरे हुए हैं? अरे ये बेचारी अम्मा हमारी देखो कैसी सहमी सी बैठी है, ये क्या कम डरी हुई है? बात करती है। अरे अम्मा ये हत्यारा ना उस बदमाश से तुम्हारा गला कटवा देता तो हम क्या करते? जिज्जी जिज्जी नहीं अम्मा, अम्मा करके रोते। अम्मा तुम्हारा तो गला काटता ही काटता वो बाबूजी को छोड़ता क्या? बाबूजी भी तुम्हारे बगल में पड़े होते तो अम्मा हम किसके किसके नाम पे आज यहाँ बैठे रो रहे होते? अम्मा अम्मा पहले तो वो गला काटता और बाद में पूरा घर लूट के भाग जाता। ऐसा हुआ तो नहीं ना जीजी? ऐसा होगा तभी मानोगी यशोदा रानी। है ऐसा हुआ क्या? अभी हम बताते। ए लड़के ए हमें तो तुम ये बताओ कि तुमने उस बदमाश को इन्फॉर्मेशन कैसे दी? ए, हम तुमसे पूछ रहे ना, सोच रहे ना तुमसे, नहीं तो ऐसे कूट कूट के तुमसे मुंह गलवाएंगे। जी, प्लीज छोड़िए इसे। ए भगवान अम्मा देखो कैसे चंडी की तरह रूप धारण करके खड़ी है हमारे सामने, हमें मना कर रही है, है? हम अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता काहे ना करें बताओ है? अरे अम्मा अम्मा हम तुम्हें बता रहे हैं ऐसे बदमाश लोगों का टारगेट ना बूढ़े बुजुर्ग ही होते हैं। जी जी प्लीज प्लीज बस कीजिए प्लीज। यशोदा रानी हमें बस करने से क्या होगा? जिसे बस करना चाहिए वो तो पूरे घर में खुलेआम घूम रहा है, है? अम्मा हम तुमसे कह रहे हैं सतर्क हो जाओ, समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर बाद में ना कहना कि कामिनी तुमने हमें बताया नहीं।
हमाम तुम्हें समझा दे रहे हैं, ये लड़का ना सारा सामान लेके घर से चंपा हो जाएगा और तुम यहीं पर ना हाथ पे हाथ धरे बैठ के तमाशा देखती रहना बस। क्या बोल रही हैं आप? क्यों? हम सच कह रहे हैं, कृष्णा नहीं है साजिद जी। गजब, इतना सब कुछ हो गया और तुम अभी भी इसकी हिमायती बनी घूम रही हो? देखो ये सुधा रानी, हम तुम्हें भी बता रहे हैं, ये लड़का ना तुम्हारा भी इशू बना देगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। एक तो पहले से उसने तुम्हारे दिल दिमाग पे जो है ना पर्दा डाल के रखा हुआ है, पर हमारी बात तुम नोट कर लो, आने वाले समय पे तुम्हारे सुख चैन पे डाका ना डाला तो हमारा नाम भी काम नहीं है। और हाँ, वैसे भी तो इस घर की चाबियां तो तुम्हारे पास ही रहती हैं, क्यों ये सुधा रानी? हाँ क्यों? ये अम्मा कल लो बात, ये हमसे कह रही क्यों? अम्मा हम तुम्हें फिर से सतर्क कर रहे हैं, ये लड़का ना सब कुछ लूट लाट के यहाँ से चला जाएगा ना और तुम यहीं पर हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाओगी, समझ में आ रहा है? यशोदा, घर की चाबियां अम्मा? हाँ, अब अगर तुम कहोगी कि अम्मा विश्वास नहीं है तो हाँ, अब तुम पर विश्वास नहीं है। नहीं धोए उसने, पता है मैडम क्या आप इसलिए रो रही हैं? क्योंकि कामिनी मैम साहब की बातें सुन के मालकिन ने आपसे चाबियां ले ली। नहीं, दुख चाबियों का नहीं है कृष्णा, इस बात का है कि तुम पे कोई विश्वास क्यों नहीं करता, किसी को ये दिखाई क्यों नहीं देता कि तुम दिन रात काम में लगे रहते हो, जिन हाथों में किताबें खिलौने होने चाहिए वो कपड़े बर्तन धो धो के छिल गए हैं।
इतनी ईमानदारी, इतनी तिमारदारी के बाद जब कोई भरोसा नहीं करता तो तुम्हारा मन कितना दुखता होगा ना कृष्ण? उनकी बातों से मन नहीं दुखता मैडम, मन तो तब दुखता जब आप रोते। प्लीज रोना बंद कर दीजिए मैडम। हाँ तो मुझे कब से जानती है, पर वो लोग तो मुझे अभी अभी जानते हैं ना। फिर भी देखिए वो मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। हाँ भरोसा तो करते हैं, तुम पे भरोसा करते हैं, इसीलिए तुम्हारी कंप्लेंट करने से पहले बाबूजी ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये तो अच्छी बात है ना मैडम, ये सही चोर पकड़ा जाएगा और मालिक और सब लोगों का शक मुझसे दूर हो जाएगा, फिर सब मुझसे खूब प्यार करेंगे। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? आप भी तो खुश हो जाएंगे ना। तुम इस हाल में भी मेरी खुशी के बारे में सोच रहे हो? आप भी तो हर हाल में मेरी खुशी के बारे में सोचते हो। वैसे मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, पर आप और सर कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, कुछ भी नहीं। जानता हूँ मैडम।